नमस्कार, मैं दिष्टुर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं। आरोप है कि इन इलाकों में मुस्लिमों की ओर से उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में अलीगढ़ के टप्पल के नूपुर गाँव के हिंदुओं ने मुस्लिमों के प्रताड़ना से तंग होकर पलायन का ऐलान कर दिया था और अपने घरों पर मकान बिकाऊ लिख दिया था। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ दिन बाद ही रामपुर के टंडोला में हिंदुओं ने दर्जन भर घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया गया। तो वही अब कानपुर के कर्नलगंज से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ 10 हिंदू परिवारों ने अपने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया है। वहां के हिंदू परिवारों का कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो वो इस्लाम मजहब अपनाकर मुस्लिम बन जाएं या फिर घर छोड़कर चले जाएं। पीड़ित परिवार ने कहा है कि उनकी जान पर रोज खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मुस्लिम दबंग उन्हें डराने के लिए हमेशा कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रेल पटरी इलाके की है। शनिवार को पूरी रात डर के साए में रहे एक परिवार ने बताया कि उनके घर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और जब भाइयों ने मना किया तो घर में घुसकर मारपीट की गई। लड़की के साथ बलात्कार का भी प्रयास किया गया। 9 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनमें से 2 किसी तरह छूटने में कामयाब रहे। कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन का संदेश भी लिख दिया है। मोहल्ले के ही एक दबंग आफताब पर आरोप लगाया कि वो धमकी देता है कि जैसे ही योगी सरकार जाएगी और सपा की सरकार आएगी, वो पीड़ितों की ओर से दर्ज कराए गए केस का भी बदला लेगा। छेड़खानी और मारपीट की घटना को लेकर जानकारी देते हुए कानपुर के नगर आयुक्त असीम अरुण ने कहा है कि ये 2 समुदाय से संबंधित मामला था और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है कि वहां के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनसे हम संपर्क में हैं। थाना कर्नलगंज में ये घटना 4 दिन पहले हुई थी, जिसमें की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये 2 समुदायों से संबंधित मामला प्रकट हुआ। इसमें जो FIR प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी की गई और फिर कल 2 लोग और इसमें गिरफ्तार किए गए। आज ये जानकारी में आया है कि स्थानीय नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ संदेश अपनी दीवार पे भी लिखा है। इस संबंध में हमारे अधिकारी DCP वेस्ट में मौके पर जांच कर रहे हैं। संबंधित पक्ष से इसमें FIR के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें FIR दर्ज करके इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी की जाएगी और पिछला प्रकरण और ये प्रकरण मिलकर के जो और गंभीर प्रकरण बन गए हैं तो इसमें गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई इसमें की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपने पड़ोसी को सुरक्षित महसूस कराए, किसी प्रकार उसको धमकाए। तो नगर में कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार कोई किसी को धमकाए ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ NSA और गैंगस्टर की सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पीड़ित परिवारों ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक अमित वाजपेयी पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा विधायक आरोपियों की मदद कर रहे हैं। इन 10 हिंदू परिवारों में से कुछ बिहार से आकर बसे हैं। बताया गया है कि पीड़ित परिवार के घर में 50 की संख्या में मुस्लिम भीड़ घुसी थी। बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किया और न्याय की मांग की। खैर, अब सवाल यह है कि आखिर देश के अंदर पाकिस्तान जैसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।